स्वागत है सभी का एमआर न्यूज टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंशीपुरा नई बस्ती से। स्त्री होटल के पास ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से उसकी आग की लपटों से पास के ही एक मकान में लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद साहिद पुत्र स्वर्गीय नूरुल हसन के घर के सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उनके दामाद मोहम्मद जौहर अपने ससुराल में ही रहकर रोजी रोजगार का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से बिजली विभाग को लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस ट्रांसफार्मर को यहां से हटाया जाए, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को लगभग 4 बजे धूं धूं कर जलने लगा, जिसकी लपटों से पास के ही एक मकान में लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। तभी देखते ही देखते काफी भीड़ एकत्रित हो गई और आसपास के लोगों ने ही नाले से पानी निकालकर बाल्टी बाल्टी लोग ट्रांसफार्मरों पे फेंकने लगे। जब तक फायर विभाग की गाड़ी पहुंचती, तब तक स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दोस्तों, खबरें अच्छी लगें तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से। जनता लगा लिए देश के एक आज ये नाला उठ जाएगा। देश के तो जनता ही समस्तीपुर के कोई पाइप ना को पास आपका मोहम्मद जो है किस मोहल्ले में पड़ता है ये मुंशीपुरा नई बस्ती में। क्या मामला हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे तो यही तार और बरा है और वो आग लग गई है। तार में लगी क्या? ट्रांसफार्मर से शुरू हुआ है। फिर कहाँ कहाँ लगा है आग? लहर मारा है तो पूरा अंदर तक गया है। क्या नुकसान हुआ है? उसमें लूम उम पर तो थोड़ा बहुत हुआ है, बस ये जो बाहर दिख रहा है यही नुकसान। बगल का मकान आप ही का है? नहीं, वो हमारा नहीं है। किसका है? मेरे ससुराल का। ससुराल का है। तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है उसमें? हकीकत जानकारी होगी आपको क्या क्या नुकसान हुआ है उसमें? लूम उम पर थोड़ा बहुत है और यही बाहर। कितने की क्षति हुई है लगभग? लगभग अंदाज से कितने की क्षति हुई है आपके यहाँ? 1 लाख रुपए की। 1 लाख की, ठीक।